39 से निर्दलीय प्रत्याशी अमर बंसल ने बड़ी जीत दर्ज की है। निर्दलीय अमर बंसल ने त्रिपुरा राज्यपाल रमेश बैस के भतीजे और भाजपा प्रत्याशी ओंकार बैस को हराकर चुनाव में जीत दर्ज की। आपको बता दें कि अपनी जीत को लेकर अमर बंसल ने कहा है कि है उनकी नहीं, वार्ड की जनता की जीत है। पिछले 6 सालों से जारी सेवा पर जनता ने भरोसा जताया। वहीं बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के सवाल पर अमर बंसल ने कहा कि टिकट नहीं देने के पीछे कोई कारण रहा होगा। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 39 आत्मनंद वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनकर आने वाले अमर बंसल जी मौजूद हैं। लगातार लोगों से आप बिना एक तो नंगे पैर आप प्रचार कर रहे थे। लोकतंत्र के मंदिर में जब मैं गया हूँ, पहली बार मेरा ऐसा समाज के बीच जाना हुआ और समाज है आराध्य हमारा, सेवा है आराधना, इसी भाव के साथ मैं जनता के बीच में गया हूँ। और मेरी तैयारी की बात करें तो मेरी तैयारी 6 वर्ष से, तैयारी नहीं बोला जाएगा, मेरा ये गति है, सेवा की गति, जो मैं सेवा की गति में जो गतिशील था और मुझे लगा कि कहीं कहीं मैं रुक रहा हूँ, सेवा जो आज की मूलभूत सुविधाओं में कहीं ना कहीं रुक रहा हूँ, जो लीगल रूप से मैं कारण के रुक रहा था। अब मुझे अगर पार्षद के रूप में मैं वहाँ होता हूँ तो शायद वो सब चीज को पूरी तरीके से मैं उसमें ईमानदारी निभा पाऊँ उस कार्य के लिए। और मुझे आज 1080 वोट से विजयी होकर के मेरे उस मतदाताओं 8726 मतदाताओं को मैं नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं जो मुझे ऐसा उन्नत प्यार दिया। बीजेपी से कोशिश की थी टिकट मिलने की, मैंने कोशिश किया था और उनका कुछ कारण होंगे, कुछ मजबूरी होंगे जो मुझे वो टिकट दे नहीं पाए, लेकिन मुझे अगर काम करने की अगर मान लिए तो हो जाएगा, ठान लिए तो रुकने वाला नहीं, इसी हिसाब से मैंने आगे। सवाल, अगर किसी का बहुमत नहीं आता तो किसके साथ जाएंगे? परिस्थिति के अंतर्गत रहूंगा और मुझे तो काम करना है और काम के साथ मैं रहूंगा, जैसी परिस्थिति होगा मैं उसमें, इसके बारे में अभी मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी अमर बंसल। दोनों को शिकस्त देते हुए उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। रायपुर कैमरामैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।